थोड़ी सी अपनी पावर को जनरेट कर देना। यस, पकड़े पकड़े सर, शाबाश। इस अंदाज से बैठने से घुटनों को प्रॉब्लम तो नहीं होता? कोई पेन शेन बस करें फिर उसको। जी इमरान, आपको ओके। कल के जो पोस्चर को आए थे, कोई उनका को बेनिफिट हुआ है? कोई फीलिंग है? हाँ जी बताओ, इनको बताओ ये चीज़, ये जो आपको पता है। क्या कह रहे हैं सर? दो मिनट लो, लो लो, आओ इधर आओ, आ जाओ सेंटर जाओ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ। ਬੇਗਮ ਬਹਿ ਗਈ, ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁਲੋ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ अमीन की गल तो मुझे याद है, अमीन ने कहा जी मैं पहले सुने हैं, तो अमीन ने कभी भी बेगम ने यह नहीं किया कि मैं कल नाश्ता किया फेस वॉश देनी पी है या रिवाज रिवाज। शाबाश, क्या बात है माशा, नवे नवे चेहरे माशा, छोटे बच्चे प्यारे बच्चे बैठे, क्या बात है। सवेरे से उठाता है ये थोड़ी सी दादा नमाज पढ़ना पढ़ते होने आइए शाबाशी। वो क्या बात है माशाल्लाह। जी जी ब्रीदिंग करें करें, मैं आपको ब्रीदिंग के ऊपर देखें। बात है कि एक सिंपल सिंपल सांस लेने से आपका बैक पेन का मसला हल हो सकता है, बैक पेन की स्टिफनेस कम हो सकती है, बैक पेन के जितना वो उसमें कमी आ सकती है, लेकिन करना आपने बताना है। हालांकि जो ब्रीदिंग है सिंपल देखने में कहते हैं बड़ा आसान सा पोस्चर है, लेकिन इतना आसान है नहीं है करते हुए। हाँ जी, अपनी कमर सीधी करें और कोशिश करनी है आपने अपने डायाफ्राम मसल और इंटरकोस्टल जो आपका मेन ब्रीदिंग मसल है इसको आपने फुलाना है। इनहेल, फुलाएं जरा प्लीज, एक्सहेल। जिन लोगों ने अपने चेस्ट एक्सपेंड करके और शोल्डर रेज करके किया ब्रीदिंग, उनका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उन्होंने शैलो ब्रीदिंग करते हैं। जो आपकी चेस्ट ब्रीदर होते हैं वो यहाँ से शोल्डर और चेस्ट को जो है ना अपना यहाँ से छोटा सांस लेते हैं। अगर आप अपने बेस ऑफ लंग्स तक को एयर को ले जाना, आपके लंग्स खाली ना रहें, आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस या राइट हैंड रख लें अपने बैली के ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर रख लें। अब आपका जो ऊपर वाला हाथ है लेफ्ट वाला, ये आपका स्टेबल रहेगा
और आपका जो बैली वाला हाथ है ये आगे की तरफ मूव करेगा। आइए आप प्लीज इनहेल, पूरा फ्लाई बैली, एक्सहेल, वंस अगेन, ये जोश आप पूरा बैली फुलाना जी, इनहेल, पूरा फ्लाई बैली, प्रेशर दें और लोअर बैक को जरा फोकस करें, एक्सहेल, बैली अंदर की तरफ। देखिए ये जो आपका डोम शेप डायाफ्राम है ना, जब हम ब्रीथ इन करते हैं ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपकी वॉल्स को स्ट्रेच करता है, और इसकी जो वॉल्स हैं आपके थोरासिक और लंबर स्पाइन के L2 L3 के वर्टीब्रा तक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्ट्रेच करती हैं। अगेन आइए इनहेल, बैली फुलाइए, एक्सहेल, इनहेल, पूरा बैली फुलाइए शाबाश प्रेशर के साथ, एक्सहेल, लेकिन डायाफ्राम मसल जो आपका एज ए कोर स्टेबलाइजर भी एक्ट करता है, ये दूसरे कोर मसल और डीप अबडोमिनल मसल के साथ मिलके आपकी लंबर स्पाइन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपकी लंबर स्पाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली की एक्टिविटीज़ में, पर ये हम डायाफ्राम की वर्किंग और इसकी जो वर्किंग है और इसका जो है इनअप्रोप्रिएट और इनसफिशेंट हो रही है क्योंकि हमारा सांस लेने का निज़ाम ही गलत है। आइए जरा इसको फोकस करें, आप ठीक करें अपने पैटर्न को, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पूरा बैली फुलाइए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखें जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो इसका काउंटर प्रेशर पड़ता है हमारे बैक मसल्स के ऊपर, जब ये कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग हमारे बैक मसल में बंद होती है तो हमारी बैक क्या है उसमें ऑटोमेटिकली स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि उसके मसल पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होते पाते, खुल नहीं पाते, इसलिए यही काज है आपकी स्टिफनेस और बैक पेन का। इसलिए प्लीज़ इसको थोड़ा सा फिर एक दफ़ा और कीजिएगा, इनहेल, पूरी तरह शाबाश, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें जो आपका रेजिस्टेंस ब्रीदिंग है, रेजिस्टेंस ब्रीदिंग यानी कि जो रेजिस्टेंस के साथ मुजामत के साथ की जाती है वो एक होता है फिजियो बॉल, बहुत बड़ा।